बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज बहुत अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई है। आज हम बनाएंगे देसी घी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। आज ये धूप बाहर से दिखा रहे हैं, सर्दी है लेकिन धूप निकली हुई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सूरज भी नज़र आ रहा है, धूप भी नज़र आ रही है, बादल भी है लेकिन अच्छा लग रहा है। मैं तो ये वीडियो में हम दिखाते हैं क्या क्या आज काम किया है। मैं तो थक गई हूँ तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ चलो काम भी थोड़ा थोड़ा जो किया है वो आपको दिखा दूँ। ये घी हमने गरम करना था, जो गरम किया हुआ था घी ख़त्म हो गया था तो खल्ले यहाँ क्या से ये मक्खन की पे मिल जाते हैं, है ना? था। ये मक्खन की टिकिया मिल लेके आए थे तो ये अब गरम कर देंगे। मैं घी इस तरह गरम करके ना एक बर्तन में डाल लेती हूँ तो फिर काफ़ी मतलब वो वक्त गुजर जाता है। कोई चीज़ बनानी हो, बेसन वगैरह वो बना ले या वैसे घर में जरूरत पड़ती इस्तेमाल कर लिया। हल्की आंच पे इसको गरम करें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, इसका कलर ठीक रहे। हाँ जी, जब बन रहा है ज़्यादा डाल दिए, एक टिकी कम होती ना तो फिर ज़रा नीचे रहना था। तो अब थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं, देख रहे हैं ये बन गया, अब माशाल्लाह ठीक हो गया है इसका कलर। तो फिर इसको ऐसे रखेंगे, देखेंगे ये 2-3 मिनट और पका ले अच्छी तरह इसकी जो कलर। ठीक है, हाँ जी, ज़्यादा कलर ना हो जाए। नहीं 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 होता ठीक है, तो हमारे ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये ठीक हमारा है, घी बन गया है। ये गडवी है और वो देगची है तो किसमें आप, डालना है? मैं गडवी में डालूंगी क्योंकि पता नहीं गडवी में डालूंगी। मुझे गडवी में शादी की है, अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जान अम्मी जान ने मुझे दी थी शादी पे। तो मैं मुझे बड़ी अच्छे कुछ बर्तन हैं, बाकी ज़्यादा तो पाकिस्तान में ही छोड़ आई थी तो ये गडवी लेके आई थी, एक दो चीज़ और लेके आई थी, बड़ी अच्छी लगती है। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा घी बन गया है। इसको हम ऐसे छान के तो रख लेंगे तो फिर मक्खन भी है अभी जो वो इस्तेमाल करेंगे, फिर जब ये ज़रूरत पड़ी तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे। तो शुक्र है अल्लाह मियाँ का। तो ऐसे बस काम करने होते हैं का, हर रोज़ कोई काम, कभी कोई काम, सब बाहर गए तो फिर वो उधर का कोई काम, रोसी कर ली, घर का कर लिया, नमाज पढ़ ली। तो आप सब बहन भाई भी हमें दुआ में याद रखना, हम भी आप सब के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबकी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह मियाँ पूरी फरमाए। ये अब बच गया गड़वी से तो अब ये बोतल में डालती हूँ तो थोड़ा सा नीचे बाकी हो इसमें गया। डाल देते हैं हाँ जी, सारा। बाकी इसमें डाल देते हैं क्योंकि ठीक है, मैंने अच्छी तरह गर्म किया है। इसमें ज़रा बिल्कुल कोई इसमें नहीं है चीज़ कि ये कुछ दिनों के बाद इसमें स्मेल ना आए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, सारी इसमें मतलब इसमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक तो है, इसके बाद हम बनाएंगे जूस और वो दिखाते हैं। मैं जूस नहीं, मिल्क शेक बनाना है आज, जूस फिर बनाएंगे। ये मिल्क शेक बनाया था, दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा चल मिल्क शेक बना के ना सारे पी लेते हैं, भूख इतनी नहीं है। तो सुबह नाश्ता किया था, लेट ही करते हैं थोड़ा सा, तो फिर ये मिल्क शेक बनाया है तो मिल्क शेक ये सब के पीते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी डाली है, ब्लूबेरी डाली है, रसबेरी डाली है, केला डाला है और एप्पल डाला है, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाली ठीक है। हैं। अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह अस्सलाम। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।